मैं जैसे कहते वैसे बात मानू। तुम्हें पुत्र, तुम ध्यान लगाओ अपने पति की तरफ, अपने होने वाले बच्चे की तरफ। हिलना नहीं है बाबा जी के, हिलोगे तो बाबा की पूजा में विघ्न आएगा। हिलना नहीं बालिक, अब तुम्हारे शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर नहीं आता है, नहीं आता। क्या हो तुम? भूत है, आपका नंबर आएगा तब बता देंगे। भूत है भाई साहब, पूजा चल रही है भैया, बाहर निकले यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये सोनाली है, मेरे भैया हैं। इसका जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, 5 साल पहले इसका शादी हुआ था, तो इसके हस्बैंड 3 महीना तक तो घर पे थे, उसके बाद ये बाहर आ गए, यहीं पे दिल्ली में आ गए जॉब करने के लिए, और उसके बाद से गांव गए ही नहीं है। तो सोनाली अभी क्या हो रहा है, तुम हमारे संपर्क की, तुम यहाँ पर लाई हो ऑटो रिजर्व करके, क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि मेरे हस्बैंड आए नहीं अभी तक, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते दिल्ली आई, तब भी वो नहीं मिले। 5 साल शादी को हो गए हम लोगों को, और मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में तुमको आए हुए 3 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, मैं उन्हें ढूंढ रही, वो मिल ही नहीं पा रहे। फिर मेरा किसी के रिलेशन से बाबा से संपर्क हुआ मेरा। अच्छा, यानी कि तुम यहाँ पे बाबा रहते हैं कोई ना? हाँ, यहाँ पे कोई बाबा रहते हैं। अच्छा। उनसे संपर्क हुआ, वो 10 दिन से मेरे को ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि हाँ आओ बेटा, तुम्हारा हस्बैंड मिल जाएगा, मैं ढूंढ के दे दूंगा, वो इधर ही कहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है, लेकिन तुम किसी बाबा के चक्कर में तुम फंस चुकी हो ना, वो तुमको घुमा रहे हैं केवल इधर उधर के बातों में। आगे बताओ। तो वो मुझे इधर उधर की बातों में ही घुमा रहे हैं, और 10 दिन हो गए इनके पास आना जाना है, और ये आगे बता ही नहीं रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हस्बैंड कहाँ है। पैसे उसे भी लिए हैं क्या बाबा? हाँ, पैसे लिए इन्होंने 12,000 रुपए लिए। पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे? 3 महीने में यहाँ पर आके इधर उधर कमाई में। अच्छा, काम ना कहीं से काम किया, उसके बाद 12,000 रुपए इनको देने पड़े, उसके बाद भी कुछ नहीं किया इन्होंने। और बताओ हम लोग से क्या तुमको मदद चाहिए? आपसे यही मदद चाहिए कि आप एक बार देख लीजिए, मेरे को छेड़ते भी है और बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा। देखो हम तो कुछ देखे नहीं है, तू छेड़ते हैं कि क्या करते हैं, धर्म का भी बात है ना, तो डायरेक्ट हम किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते हैं ना। हाँ। ते माइक लगा लो, तुम जाके उनसे बात करो, क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम सारा चीज़ रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास प्रूफ होगा, हमारे पास कुछ होगा तभी हम उन पे ब्लेम लगा सकते हैं। कहीं किसी पे इस तरह हम उंगली तो उठा नहीं सकते हैं, हम फंस सकते हैं ना, हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। हाँ। तो तुम जाओ उनसे, जो भी करते हैं हम इनको हटाते हैं, हम लोग छुप के सारा चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, तुमको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो तुम जाओ, ये माइक छुपा लेना। A few moments later. बाबा जी। कौन? मैं बाबा जी। इतने दिनों बाद? हाँ बाबा जी, वो कुछ काम था ना इसलिए। यहाँ बैठो। बोलो, अब बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी, आपको बताया था 10 दिन हो गए, आपने तो कुछ किया भी नहीं। आप बोल रहे थे कि हाँ हमारे पति मिल जाएंगे। मैंने कब मना किया? लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे एक दो उधर भागने से, कभी कहीं जा रहे हो कभी कहीं जा रहे हो, फिर कोई नहीं मिला तो बाबा की याद आ गई। तंत्र मंत्र काम तो हमारे जैसे लोगों का है। बताइए बाबा जी, फिर कैसे होगा बताओ? घर में लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे लिए? सब बोल रहे हैं बच्चलन है, ये है, अपने पति को ये कर दिया, खो गए। यहाँ आ गया, यहाँ बैठो। हाथ दो। ऐसे घबराओगे तो कैसे बात बनेगी? कितने दिन हो गए पति से अलग रहे हुए? बाबा जी 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ। तब से कहीं यहीं घूम रहे हो, गांव नहीं गए? नहीं बाबा जी। और कैसे जिंदगी काट रहे हो? ये देखो तुम्हारे हाथ की लिखाई क्या बोल रही है, तुम्हारे को तो पुत्र योग लिखा हुआ है और तुम भटक रहे हो इधर उधर। अच्छा बाबा जी, पति के साथ कितने दिन रहे? बस 2 महीने। बस 2 महीने? हाँ। तो क्या समस्या है, पति क्यों नहीं आया तुम्हारे पास? बाबा जी पता नहीं वो कहाँ चले गए, कमाने गए थे दिल्ली। करते हैं कि नहीं? हाँ बाबा जी करते तो हैं। प्यार करते हैं कितना, और कब से नहीं है तुम्हारे पास? बाबा जी हो गए 5 साल हो गए, बस 2 महीने रहे थे, उसके बाद दिल्ली गए कमाने के लिए, तब से फिर आए नहीं वो। कोई चिट्ठी? नहीं बाबा जी, कुछ भी नहीं। तुम तो घबरा क्यों रही हो? बाबा से घबराओगे तो कैसे बात बनेगी? अब तुम्हें ये बताओ, पति चाहिए या सास की इच्छा पूरी करनी है? दोनों चाहिए। तो दोनों में तो एक तो बड़ी मुश्किल है, अभी इतनी जल्दी तो पूरी होगी नहीं। हाँ बाबा, पति वाली, पति में तुम्हारी कुंडली में लिखा है, तुम्हारी हस्त रेखाएं बता रही है, उसको भी और समय लगेगा थोड़ा सा।
लेकिन तुम्हारे को पुत्र योग है, ये हो सकता है अगर तुम चाहो तो। थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो हम बात करेंगे ये बात तुम्हारी परछाई को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मंजूर है ये सब? ठीक है बाबा जी। तैयार हो तुम इन सब चीजों के लिए? हाँ बाबा जी। तो बाबा का कहना मानोगी? हाँ जी। बाबा जैसे कहेंगे वैसे करोगे? हाँ जी। है? हाँ। तुम तो अभी से ही घबरा रहे हो, कैसे करोगे फिर? बाबा तुम्हें और भी आशीर्वाद देंगे, प्रसाद देंगे तुम्हें, तुम्हारा घर खुशियों से भर देंगे, पति भी तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन बाबा की बात माननी पड़ेगी। मंजूर है? हाँ ठीक है। सोच लो फिर से। ठीक है। फिर ये मत क्या, फिर ऐसे करोगे तो पूजा बिगड़ पड़ जाएगा। छोड़ो बाबा जी। अरे तुम्हें अपनी पूजा नहीं करवानी है क्या? हाँ। बाबा की बात मानो, बाबा तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तुम इतने टाइम से घूम रहे हो, समय बर्बाद हुआ ना? हाँ बाबा जी। सास ने गालियां दी? हाँ जी। उससे दुखी हो के घर से भागे, बाबा पे आए हो ना, भरोसा करो फिर बाबा पे। बाबा जैसे कहते वैसे बात मानो। तुम्हें पुत्र योग जब तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है तो पुत्र चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो। हाँ बाबा जी। चाहिए ना, तो बाबा की बात मानोगे? है तो जैसे बाबा कहेंगे वैसे करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलता। रुको जरा, हाथ नीचे बाली के, आंखें खोलो, या तो आंखें, अच्छा आंखें बंद कर लो, तुम भूल जाओ तुम कहीं हो, तुम सो लो, सोच रही हो, अभी सो जाओ आराम से शांति से, जैसे बाबा कहेंगे करने देना। जब तक बाबा ना कहें आंखें नहीं खोलनी है। अब तुम्हारे शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे ही लेटे रहना, जब तक कोई कुछ बोले नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना, हाथ भी नहीं हिलाने हैं, जैसे बाबा कहें वैसे चुपचाप बाबा की बात मानो। ठीक है, तुम्हें पुत्र योग का आनंद होगा, मिलेगा आज पुत्र तुम्हें, आज पति भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी आएगा। हिलना नहीं है बाबा जी के, हिलोगे तो बाबा की पूजा में विघ्न आएगा। हिलना नहीं बालिके, हिलोगे तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल भी नहीं हिलना। अब तुम ध्यान लगाओ अपने पति की तरफ, अपने होने वाले बच्चे की तरफ, बिल्कुल ध्यान लगाओ कि तुम मां बनने वाली हो। अब हिलना नहीं बालिके, हिलना नहीं, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, हिलना नहीं है, मुंह बंद बिल्कुल भी, बिल्कुल मुंह बंद। क्या कर रहे हैं भाई साहब? पूजा चल रही है भैया, बाहर निकले आप यहाँ से। कौन सी पूजा चल रही है? कौन सी पूजा चल रही है? आपके साथ आएंगे ये? कौन सी पूजा चल रही है? कल्याण कर रहे हैं भैया, बहुत समस्या में है। कौन से कल्याण, ऐसे कल्याण किया जाता है? तो पूजा तो ऐसी ही होती है बाबाओं की। मतलब ये कौन सा तरीका है? तुम पेट पे सहला रहे हो, सहला कह रहे हैं, बूटी है, बूटी लगा रहे हैं। कौन सी बूटी है? ये पाउडर लगा रहे हैं, बूटी है, तुम बूटी, ये भी बूटी है, हिमाचल से ला, हिमालय पर सुना है। रामा ये सब क्या है? बाबा का वस्त्र है, इसको हाथ मत लगाओ। पर हमें भी अपना जोक कौन सा दिखाओ थोड़ा। जब आपका नंबर आएगा तब लगा देंगे। भूत है, भूत है, भूत है। अरे बाबा पब्लिक को बेवकूफ बताओ ना। अरे भैया ये आई थी हमारे पास, ये कौन सा तरीका होता है? ये कौन सा तरीका है? हमने कौन सा तरीका होता है मनाने का? कौन सा तरीका है? कितना दिन से आती है तू इसके पास? बाबा 10 दिन से नहीं आई, बहुत ऐसे ही करता है बाबा, इतना ऐसे ही कर रहे हैं ये घोसड़ी वाले, गांड फाड़ देंगे, समझ में नहीं आ रहा तुमको? सब धर्म गांड लेकर आए हो, पकड़ लगा इसको, लगा भरोसा हमसे बात करोगे? क्या रीजन से तुम्हारे पास आई थी वो? ये आई पति ढूंढ, पति उसके के बच्चा भी नहीं हुआ है अभी तक, 5 साल वो बोली नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो आज ही तो रिकॉर्ड की, पहले हमारे कान में समझ में नहीं आ रहा क्यों लेकर आए, तो मैं काम नहीं करवाना था। बोलिए तो साला तेरे भभूत से तू बच्चा रख है। मैंने अगर धर्म के नाम पे तुम लूट रहे हो लोगों को, तुम्हारे पास क्यों आता है? तुम्हारे पास बताओ नहीं इतना है, ऐसा ही होता है? ऐसा बाबा मन रहे? ये बाबा है, ये तो हमको लग ही नहीं रहा ओरिजिनल बाबा है। ये बाबा ही है, हम तो पूजा पाठ करवा देते हैं। इधर क्या बोल रहे थे?
ये बोल रहे थे हम आपको सारी समस्या दूर कर देंगे। तो समस्या दूर कर तो रहे थे, क्या क्या समस्या? दान बताते कि क्या सिंपल, ये बताओ क्या समस्या है उसका? इसका समस्या आप बाबा हो ना, पति चला गया, अंतर्यामी हो गए ना आप, तो सब कुछ जानते हो उसके बारे में, तो बताओ उसको क्या समस्या, इतना ही बताओ। पति इनका छोड़ के चला, कितना दिन से पति छोड़ा है? 5 साल से। अभी क्या दिक्कत है उसको? अभी वो कह रही है पति चाहिए और बच्चा चाहिए मेरे को। आपको तो हमारे बारे में पता होगा, तो मेरा नाम बताओ आपका, हम मेरा नाम क्या है? आप तो अंतर्यामी ना हो, अंतर्यामी हो ना आप? अंतर्यामी हो ना? नहीं, आप तो सब कुछ जानते हो। इसको नीचे रखो, बाबा है ही नहीं, ऐसा कोई बाबा करता ही नहीं है। अरे कौन सा तुम्हारा कुटिया है, ये बाबा है ही नहीं। बैठ जी बाबूढ़ा, बैठ, कहाँ जा रहा है? सब तेल निकाल देंगे यहीं पे, समझ में नहीं आ रहा है? किनको किसने पता? मैंने क्या जबरदस्ती की तुमसे? कोई किनको लेकर आए? क्या कर रहा था तू? विभूति लगा रहे थे, देख रहे थे कष्ट कहाँ पे हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं ये, हमेशा छेड़ते हैं ये, 10 दिन से मैं आ रही हूँ ऐसे ही बोल रहे, टाले जा रहे हैं बात को। छेड़ रहे थे, फिर आ क्यों रही थी हमारे? हमने कब बुलाया तुम्हें? अपने आप ही आए ना, तभी नहीं आई थी मैं बीच में। बाबा तुम रुक जा, तुमने मेरी विभूति गिराई ना, तुम्हें तो श्राप दूंगा, तुम्हारी सात पुछता भी पैदा नहीं होगी। अरे अपना बोले देखना, अपना देख ले, हमारा छोड़ो, धर्म को खेल रहे हो, हम भी हिंदू धर्म के हैं, हमको पता है हिंदू धर्म में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तुम सुना, हनुमान चालीसा सुना तो सुनाएंगे, तुम्हें क्यों सुनाएंगे? तुम जानते हो ना धर्म के बारे में? बाबा हो ना, बाबा हो ना तुम, बाबा हनुमान चालीसा बताने तो हम सुनाते हैं। तुम बाबा नहीं हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं आता है, क्या हो तुम? बाबा हो क्या? झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ बोल? क्या उसको तुम बोलो कि साला है, उससे बच्चा रह जाएगा, वो बच्चा के लिए आपके पास आई थी? आई थी, मैंने कहा पति बच्चा चाहिए, बच्चा भी चाहिए। आप उसको बोल कर रहे थे कि पहले बच्चा चाहिए या तुमको पति चाहिए? बोले सास का इच्छा पूरा करने है कि पति चाहिए? मैंने ही बोला बच्चा चाहिए। बोलियो तुम, कब बोलिए? क्या झूठ बोल रहे हो बाबा? बोली थी तुम्हारे यहाँ से पहले। क्या बोला तुम? हमको भस्म कर दोगे? भस्म करो, कर देंगे, करो ना, घर पहुंचो, घर पहुंचने बाद भूत छोड़े तुम्हारे पीछे। मतलब डरा रहे तुम? डरा क्यों रही? क्या किया तुमने? डरा रहे हो? हमारी विभूति का नाश कर दिया, विभूति का नाश कर दिया, ऐसे तुम उसको टच कर रहे हो, तरीका है क्या? क्या टच किया हमने? विभूति लगाने की जगह है, डोर कहाँ लगाते? आपको क्या पता विभूति कहाँ कहाँ लगाते? बाबा के नाम पर तुम कलंक हो, बाबा को बेकार में इनके चक्कर में पड़ रही है, बाबा बाबा नहीं है, कुछ नहीं करेगा। तुम क्यों लेकर जब तुम्हें भरोसा नहीं था, क्यों लाए हो इनको? सड़क छाप है, 2 रुपए 4 रुपए। क्या जानते हो आप धर्म के बारे में? बाबा हो ना, हिंदू हिंदू सनातन धर्म के बारे में क्या जानते? सब जानते हैं, तुम्हें क्यों बताएं? 4 लाइन कुछ बात, हनुमान चालीसा तो पता नहीं है, बाबा बोल रहे हो? नहीं बताएंगे हम तुम्हें। अरे तुम पते नहीं है, हमें नहीं पता, तुम होते कौन है पूछने वाले? हम तो पूछने वाले। अरे हम भी हिंदू धर्म के छोटे से बालक हैं, एक लड़की का सहारा लेके बाबा की, लड़की का, लड़की का यू जाप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बाबा बोल रहे हो। सर्वनाम की चीज आपको होना चाहिए, सर्व तो आपको आना चाहिए, लोगों को लूट रहे हो धर्म के नाम पे। क्या लूट रहे? क्या लूटा मैंने तुम्हें? बताओ जरा, क्या मैंने तुम्हें लूटा? क्यों, कितना पैसा दिया है 10 दिन पहले? तो पूजा करने के लिए मिले, कोई जबरदस्ती थोड़ा मांगे इससे। कौन ऐसा जोगी है जो 12,000 रुपए लेता है? जोगी कोई ऐसा है? सामान तो मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कोई जोगी को पैसा लेते हुए। सब लगता है। क्या क्या लगता है? छोटी मोटी पूजा नहीं है। जोगी का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सब पता है। सब चीज से निराश होता है। तो निराश हमने कौन सा अपने मांगी है? हम तो खुद यहाँ जंगल में पड़े, हमने 12,000 क्यों ले लिए? क्यों 12,000? कहाँ 12,000? 12,000 नहीं लिए, झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है ये लड़की है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा 12,000 नहीं, 10 दिन क्यों आ रही है मेरे भाई? झूठ बोल रही है, बार बार तंग करने आ रही है, बुलाया था मेरे को, ये झूठ बोल रही है लड़की। अच्छा ये झूठ, आप सही बोल रहे हो? आप सही बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलते आप। आज तो ये अपने से आई है यहाँ पे, लेकिन इसके 10 दिन से आप इसको घुमा रहे हो, 12,000 ले लिए हो। आज ना ही अपने आप, लेकिन इसके पहले से तो आप घुमा रहे हो ना, तो ले लिया धमकी, धन का धमकी दे रहे हो कि बहुत गौदान में कर दिया उसको 12,000 को। अच्छा गौदान कर दिया आप, धन के बारे में सोच रहे हो? तब हमारे बारे में कुछ बताओ ना। लो हम बताओ क्या हुआ? बहुत कष्ट है भैया, तुमने बाबा को परेशान किया, बहुत कष्ट झेलोगे तुम, तुम्हारी रेखाएं बता रही है। क्या झेलेंगे हम बताओ? नर्क में जाओगे, नर्क में, नर्क में जाएंगे, क्या होगा? मर जाएंगे ना, मरने के बाद जाओगे तुम? तुम्हारे जैसे 10 इंसान को मरने के बाद भगवान हमको नर्क में भेजेंगे ना, तो खुशी खुशी कबूल कर लेंगे, लेकिन तुमको मार के, तुम्हारे जैसे हैवान आदमी को मार के, बाबा हो ये सब काम करने दो, आसाराम के जैसा तुम कर रहे हो, जंगली जंगल में रहने वाले जंगल, अरे बहुत ब्रह्मचारी बन रहे हो तुम, लोगों को लूट रहे हो। क्या लूट रहे हो? धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हो तुम, नहीं लूट रहे हो? कहां लूट के ले जाए, कुछ है हमारे पास? क्या कहां लूट के ले जाएंगे? कैसे मरेंगे थोड़ा हमारे बारे में, मेरे बारे में बताइए, मैं क्या करता हूँ, क्या बाबा के हाथ पड़े हैं? सिर्फ बता सकते हैं, मर जाओ, हाथ दस्त होगी तुम्हें बताइए। हाँ देखिए, हाथ के साथ रहोगे तो कष्ट तक तुम नहीं मरोगे, इसका साथ छोड़ दो।
आप हमारे परिवार के बारे में बताइए, बाबा है ना, अंतर है हमें परिवार, हमने कैसे भरोसा करेंगे आप बाबा हो? तुम्हारा हाथ ही नहीं देंगे जिस इंसान को हनुमान को ढोंगी बोले, तुम भी कुछ ढोंगी हो, एकदम ढोंगी हो आप, तुम ढोंगी हो जिस इंसान को हनुमान चालीसा पता नहीं है, हिंदुस्तान में रहकर तुम बाबा को ढोंगी बोल रहे हो, कुछ नहीं करेगा, तुम भी ढोंगी हो, पैसा ठगता है ढोंगी बाबा, तुम झूठ बोलकर आए, झूठ का सहारा लेते हो, तुम भी फसाना होना मत, तुम खुद भी ढोंगी हो, ये ढोंगी आप हो, सुनो ना ढोंगी आप हो, आप ढोंगी हो, तू भी नरक में जाएगी इनके साथ, बाबा को परेशान किया है ना, तू भी नरक में जाएगी इनके साथ, ये भी ले लो अपना टन जंग, कहाँ जा रहे हो, जंगल में जाएंगे बाप, तपस्या दोबारा करेंगे, तुम क्या करोगे, क्या करोगे तपस्या, क्या करोगे, इधर बात करो ना, इधर बात करने के लिए बोल रहे हैं ना, अरे बाबा बन रहे हो ना, अब बाबा हो, हमको तो लग नहीं रहा कि आप बाबा हो, तुम पे पेगा नहीं हो, तुम पेगो, हमको शराब रहे हो, क्या शराब रहे हो, क्या होगा हमको, आपके शराब नहीं देखो होगा, क्या होगा, भाग यहाँ से, जोगी लग रहा है, किस एंगल से जोगी लग रहा है, ऐसे कोई बीमारी ठीक करता है, बच्चे हो जाएगा पेट पर साल आ रहे हैं, इसके बाद आना मत, ठीक है, उसके पास आना मत, वो बाबा हुआ नहीं है, वो ढोंगी है, खाली लोगों को लूटता है, लूटने वाला है वो, उसके सकल सूरत से ही लग रहा है कि वो कोई बाबा, कब से फिर मैं उसके पास, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, डरना मत उसे, ले चलो कोशिश करेंगे अपने से, चलो कोई बाबा के चक्कर मत पड़ो।